हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल की ड्रामा म्यूजिक। मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और नया वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूँगी लीजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड नंबर 8 को। लेकिन एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके बाकी 7 एपिसोड्स आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएँ और उन एपिसोड्स को देख लें। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ से आप जाकर उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे, फिर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। लास्ट एपिसोड में देखा था कि जल परी सफाई करती है घर की, लेकिन उसी के साथ वो स्विमिंग पूल में उतर जाती है, जिससे कि वह अपने असली रूप में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जुंजे अपना सेलफोन घर पर ही भूल जाता है, तो वो अपना सेलफोन लेने के लिए वापस आता है। अपना सेलफोन लेने के लिए जुंजे ऊपर आता है, तो वो देखता है कि स्विमिंग पूल में जलपरी स्विमिंग कर रही है। जलपरी भी उसे देख लेती है, तो जलपरी सोचती है कि अब उसका पर्दाफाश हो गया है, अब जुंजे को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी कि वह एक लड़की नहीं एक जलपरी है, तो वो काफ़ी नर्वस सी हो जाती है। लेकिन जुंजे उसे देखता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे सफाई करने के लिए कहा था, ना कि स्विमिंग करने के लिए। तो जलपरी उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मत आना, यहाँ से दूर रहो और मुझे मत देखो। तो जुंजे उसकी तरफ से पीट करके खड़ा हो जाता है। फिर जुंजे जलपरी से कहता है कि तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि इस घर में कितने सारे लड़के रहते हैं, तुम्हें ऐसे स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें स्विमिंग करनी थी तो तुम्हें पहले गेट को लॉक करना चाहिए था, ताकि फिर कोई आए ना और तुम आराम से स्विमिंग कर सको। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आया, अगर कोई और आ जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। इस पर जलपरी उसे कहते क्यों तुम्हारा आना लकी कैसे हुआ। तो जुंजे कहता है कि अरे वो दोनों कितने कमीने, तुम्हें पता नहीं है। फिर जुंजे जलपरी को समझाता है कि अगर आगे से तुम्हें ऐसे स्विमिंग वगैरह करनी हो तो पहले गेट लॉक करना और उसके बाद ही कुछ करना। फिर वो नीचे चला जाता है और जाकर अपने जुंजे अपने दोनों दोस्तों से नीचे जाके कहता है कि अगर तुम्हें घर में एंट्री लेनी है तो उससे पहले तुम्हें लॉक करना होगा, ताकि पता चल सके कि कोई आ रहा है। घर में घुसने से पहले तुम दोनों को ऐसा ज़रूर करना होगा। और फिर वो कहता है कि तियो स्पेशली तुम, क्योंकि तुम लॉक खोलना जानते हो, तो इसलिए जब भी तुम घर में एंट्री लो तो दरवाज़ा खटखटा कर ही अंदर जाना, बिगर दरवाज़ा खटखटाए अंदर मत जाना। फिर वो दिखाया जाता है कि वह तीनों वहाँ से कार लेकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जलपरी अपने फ्रेंड से मिलने जाती है, जो कि उसका अभी नया नया फ्रेंड बना है, और उससे कहते हैं कि आज तो मैं बाल बाल बच गई, नहीं तो आज मैं एक्सपोज हो जाती और मेरी सच्चाई जुंजे के सामने आ जाती। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम्हें ध्यान रखना होगा, किसी को तुम पे शक ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड को जब मेरे बारे में पता चला था तो वो मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर जलपरी उसे बताती है कि स्पेन में कैसे जुंजे की जान बचाने के लिए जब वो पानी में कूदती है तो वह अपने असली रूप में आ जाती है, इसीलिए वह उस समय पर जुंजे की याददाश्त मिटा देती है, ताकि जुंजे को ना पता चले कि वह एक लड़की नहीं बल्कि एक जलपरी है। जलपरी कहती है जुंजे आज भी मुझसे स्पेन की मेमोरीज़ के बारे में पूछता रहता है कि स्पेन में क्या हुआ था, लेकिन मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया है। फिर उसका दोस्त जलपरी से कहता है कि कुछ भी करना, लेकिन आगे से कभी भी पकड़े मत जाना, सावधान रहना, क्योंकि इंसान लोग हम लोगों को नहीं समझेंगे, वे हमारे इस रूप को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जब मेरी गर्लफ्रेंड को पता चला था कि मैं एक मरमेड हूँ तो उसने मुझे छोड़ दिया था और वो मुझसे दूर चली गई थी। वो उससे कहता है हो सकता है कि जुंजे भी ऐसा ही करे, इसलिए तुम सावधान रहना और आगे से ऐसी गलती मत करना। फिर वह कहता है कि अच्छा है कि इंसानी दुनिया में झूठ है, क्योंकि हम लोग तो आपस में बातें नहीं करते, हम तो एक दूसरे के माइंड के थॉट्स को रीड कर लेते हैं, इसलिए हम लोग तो एक दूसरे से झूठ भी नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर इंसान एक दूसरे के माइंड के थॉट्स रीड नहीं कर पाते, तो इसलिए वह एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। फिर वो उससे कहता है कि तुमने देखा नहीं है जब तुम शॉपिंग करने जाती हो तो यहाँ पर लोग कैसे कहते हैं कि मैम ये ड्रेस आपके लिए ही बना है, ये स्पेशली आप पे ही सूट करेगा, आपसे ज़्यादा ये किसी और पे इतना अच्छा लग ही नहीं सकता है। वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं ताकि जो भी पर्सन वहाँ पे कपड़े खरीदने आए वो इम्प्रेस हो जाए, बेशक वो ड्रेस उस पर अच्छा लगे ना लगे, लेकिन वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट देकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, ताकि वहाँ से वह पर्सन कुछ ना कुछ खरीद कर जाए। तो वो उससे कहता है कि ये लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं, तो इसलिए किसी की बात पर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस पर जलपरी पूछती है ओ ऐसा है क्या, तो फिर कैसा पता चलेगा कि कौन मुझसे झूठ बोल रहा है।
तो जलपरी का फ्रेंड उसे बताता है कि जब भी कोई आपसे झूठ बोलता है तो वो या तो हकलाता है, थोड़ा नर्वस होता है, अपने बालों को टच करता है या फिर आपकी आँखों से आँखें नहीं मिलाता है। वो कुछ ऐसे तरीके से बिहेव करता है कि ताकि आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। तो वो उससे कहता है बस तुम्हें ये ऑब्ज़र्व करना है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है या नहीं। तो जलपरी कहती है ओ अच्छा ऐसी बात है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब जुंजे अपने फ्रेंड्स के साथ वापस आता रहता है तो जुंजे जाता है चासिया से मिलने के लिए। तो जुंजे चासिया से वहाँ पर कहता है कि मुझे नामदू ने बताया कि तुम किसी चीज़ पर रिसर्च कर रही हो, क्या तुम उस चीज़ के बारे में मुझे बताओगी। तो चासिया उससे कहती है ठीक है मैं। फिर दिखाया जाता है आगे कि चासिया जुंजे को अपने साथ अपनी लेबोरेटरी ले जाती है और वहाँ पर उन सारी चीज़ों को जुंजे को दिखाती है जिन पर वो रिसर्च कर रही है। तो जुंजे वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें होती है वो दामरेंग से जुड़ी होती है। वहाँ पर वो फ्लावर पॉट भी होता है जिसपे एक जलपरी और एक इंसान के किस करने की तस्वीर बनी होती है। जुंजे जब उस फ्लावर पॉट को देखता है तो उसे कुछ धुंधली धुंधली यादें दिखाई देती है जो कि इस पेन से जुड़ी हुई होती हैं। जुंजे को वैसे अजीब सी फीलिंग्स आती है कि जैसे ये घटना ये मोमेंट्स उसके साथ हुआ है या फिर उसने ये सब कुछ पहले देखा है। वह परेशान हो जाता है। तो फिर आगे दिखाया जाता है कि जुंजे एक डॉक्टर से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी इंसान की कहीं एक जगह से रिलेटेड मेमोरीज ही लॉस्ट हो और बाकी सब उसे याद हो। तो इस पर डॉक्टर उससे कहता है हाँ ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। डॉक्टर उससे कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के साथ एक इंसान से जुड़ी हुई मेमोरीज और एक जगह की जुड़ी हुई मेमोरीज जा सकती है, लेकिन हिप्नोटाइज कर हम उन्हें देख सकते हैं। तो डॉक्टर जुंजे को हिप्नोटाइज करता है। जब डॉक्टर जुंजे को हिप्नोटाइज कर देता है तो जुंजे को दिखाई देता है कि उसे दामरेंग दिख रहा है, जलपरी दिखती है और उस टाइम में सरदार भी, यानी कि उसे पास्ट के कुछ मोमेंट्स दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही वो मरमेड यानी कि जलपरी को देखता है पास्ट वाले रूप में तो एकदम जुंजे की आंखें खुल जाती है और वह चौंक जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जुंजे डॉक्टर से कहता है कि ये मेरा भ्रम है, ये मेमोरीज नहीं हो सकती, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। फिर वो दिखाया जाता है कि डॉक्टर के पास से जुंजे घर आ जाता है। जब जुंजे घर पहुंचता है तो वो देखता है कि जलपरी बहुत अच्छे से रेडी हुई होती है और वो कहीं बाहर जा रही होती है। तो जुंजे उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो जुंजे कहता है कि ठीक है तुम्हें जहाँ जाना जा सकती हो, लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जब जलपरी बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है तो उस समय होता है 7:30 के आसपास। तो जुंजे अनाउंसमेंट करता है कि आज से 8 बजे के बाद जो भी घर से बाहर जाएगा उसे घर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। जिसे भी जाना है 8 बजे से पहले जाए, अगर वो 8 बजे के बाद आता है तो मैं उसे घर में एंट्री नहीं दूंगा। फिर जिसे जहाँ सोना है वो सो सकता है, चाहे वो रोड पर सोए चाहे कहीं भी सोए, जुंजे ऐसा कह देता है। तो इस पर नामदो कहता है कि तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो, अभी तो 7:30 हुए हैं, अगर जलपरी इस समय बाहर जाएगी तो वो कैसे वापस आएगी, उसे कहाँ इतनी जल्दी टैक्सी मिलेगी और कहाँ वो इतनी जल्दी बाहर घूमकर वापस आ पाएगी। नामदू कहता है कि तुम जानबूझ के उसे परेशान कर रहे हो। इस पर जुंजे कहता है कि जाना है या नहीं जाना ये उसका डिसीजन है, लेकिन मैंने बोल दिया है कि 8 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, अगर जाता है तो मैं उसे घर में वापस एंट्री नहीं दूंगा। जुंजे ये सब बोलकर अपने रूम में चला जाता है। जुंजे के वहाँ से जाने के बाद नामदो जलपरी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो इस पर जलपरी कहती है कि मैं पैसे कमाने जा रही हूँ। तो नामदो पूछता है मतलब। तो जलपरी उससे वो काला सा बैग दिखाती है जिसमें काफ़ी सारे मोती होते हैं। तो नामदो उन मोती को देखता है और एकदम हैरान रह जाता है और वो उससे कहता है कि ये सब तुम्हें कहाँ पर मिले। तो जलपरी उससे कहती है कि मैंने ये बहुत मेहनत से कमाए हैं। फिर दिखाया जाता है कि किस तरह से जब घर पर कोई भी नहीं होता तो जलपरी अकेले बैठ कर इमोशनल ड्रामास और मूवीज़ देखती है और काफ़ी सारे अपने आंसू यानी कि जो मोती बन जाते हैं उसके आंसू उन्हें कलेक्ट करती है। फिर जलपरी नामदू से कहती है कि मैं ये सब लेके जा रही हूँ और इन्हें एक्सचेंज करूँगी, इसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैं ये सब एक्सचेंज करने जा रही हूँ। तो नामदू जलपरी से कहता है कि क्या मैं इसमें से एक रख सकता हूँ। तो जलपरी कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब मैंने जुंजे के लिए इकट्ठा किए हैं तो तुम इनमें से एक भी नहीं ले सकते।
वो कहती है ये सब कुछ मैं जुंजी को देने वाली हूँ, लेकिन नाम दो फिर भी मानता नहीं है और अपनी चोरों वाली टेक्निक आजमाता है और उन सारे मोतियों में से एक मोती छुपा लेता है। फिर आगे के सीन में दिखाया जाता है कि अगले दिन जलपरी अपने मेल फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। वह दोनों वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, तभी उसके फ्रेंड के सीने में दर्द होने लगता है। जलपरी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो इस पर उसका दोस्त कहता है कि शायद मेरे दिन अब कम बचे हैं। तो जलपरी यह सुनकर काफ़ी चिंतित हो जाती है। जलपरी उससे पूछते क्यों, ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि मुझे ज़मीन पर आए हुए शायद 2 महीना हो गए हैं, इसीलिए मेरे दिल ने काम करना बंद करना शुरू कर दिया है, जिससे कि मुझे परेशानी होने लगी है। इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि मेरे दिन कम ही बचे हैं, इसीलिए मेरे सीने में दर्द होने लगा है। तो जलपरी उससे कहती है तो फिर मेरे दिन कितने बचे होंगे? तो उस पर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम देख सकती हो मेरी हालत, इससे तुम्हें पता चल जाएगा। जलपरी उससे कहती है तो तुम वापस चले जाओ। तो इस पर उसका दोस्त कहता है कि वापस जाकर भी क्या फ़ायदा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर मैं वापस जाऊंगा तो समुद्र में एक जिंदा लाश की तरह रहूंगा। इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर मर जाऊं, क्योंकि वो मुझे छोड़कर चली गई है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। फिर दिखाया जाता है कि जलपरी अपने दोस्त की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जुंजे को भी अपने पास्ट वाले मोमेंट्स मेमोरीज दिखाई देती रहती है, जिनसे वो परेशान होता है। और उसे दिखाई देता है अपना सेक्रेटरी, तो फिर उसे याद आती है, तो वो फिर से अपने सेक्रेटरी को कॉल मिलाता है। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है तो लेकिन फिर भी उनका नंबर बंद आ रहा होता है। तो फिर जुंजे सोचता है क्यों ना उन्हें मैसेज किया जाए, तो जुंजे उन्हें मैसेज टाइप करता है। जुंजे उस मैसेज में लिखता है कि हेलो अंकल, मैं जुंजे, मैं आपको कब से कॉल ट्राई कर रहा हूँ लेकिन आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, जैसे ही आपको मेरा ये मैसेज मिले तो मुझे आप कॉल बैक करना। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी का फ़ोन महादेव के पास होता है, तो महादेव को जुंजे का मैसेज मिलता है और वह उस पर रिप्लाई करता है कि जुंजे मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे कल मिलूँगा, लेकिन कहाँ मिलूँगा और किस समय मिलूँगा इसका मैसेज करके मैं तुम्हें कल जवाब देता हूँ। जुंजे इस मैसेज को देखकर थोड़ा रिलैक्स और रिलीफ फील करता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जलपरी को नींद नहीं आ रही होती, तो जलपरी ऊपर से नीचे उतर कर आती है और जुंजे से पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारा कोई प्लान या कोई इरादा है कि तुम मुझे पसंद करो, अभी नहीं तो क्या तुम फ्यूचर में मुझे पसंद या लाइक करोगे? जलपरी की यह बात सुनकर जुंजे उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो, सही में मैंने तुम्हारा नाम रखा है सिमचैन। वो कहता है कि ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो तुम? वो कहता है कि ये कोई आसान है किसी को ऐसे ही चंद दिनों में लाइक करना या पसंद करना, यह बहुत ही बड़ी चीज़ होती है किसी को पसंद करना। जलपरी उससे कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है? तो इस पर जुंजे उससे कहता है कि किसी को लाइक करना, पसंद करना और प्यार करना एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। वो उससे कहता है कि इन चीज़ों में टाइम लगता है, यह ऐसे ही कुछ ही दिनों में या फिर कुछ समय में नहीं होता। जुंजे उससे कहता है कि मैं ऐसे कैसे तुम्हें बता सकता हूँ कि मेरा कोई प्लान है या नहीं, कि तुम्हें लाइक करना है या नहीं करना। तो जलपरी जुंजे से कहते कि देखो जुंजे, अगर तुम्हारा कोई प्लान या कोई इरादा हो मुझे लाइक या पसंद करना तो प्लीज़ मुझे बता देना और जल्दी ही बता देना। ये कहकर जलपरी ऊपर वापस अपने रूम में चली जाती है। जब जलपरी अपने वापस अपने रूम में चली जाती है तो वह काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ एक ही थॉट रहता है कि अगर जुंजे ने उसे उसी की तरह वापस प्यार नहीं किया तो हो सकता है वह भी उस अपने मेल फ्रेंड की तरह कुछ ही समय में मर जाएगी। फिर दिखाया जाता है कि ना तो जुंजे को नींद आती है ना ही जलपरी को नींद आती है, वह दोनों ही परेशान होते हैं और उन बातों को सोचते रहते हैं। फिर वहीं आगे दिखाया जाता है कि अगले दिन चाशिया की भाभी अपनी मदर इन लॉ यानी कि सासू माँ से बड़े प्यार से बात कर रही होती है। जब उसकी बातें ख़त्म हो जाती है तो चाशिया उससे पूछती है कि मैं अपनी माँ से खुद अच्छे से बात नहीं कर पाती, तुम अपनी सासू माँ यानी कि मेरी माँ से इतने अच्छे से बात कैसे कर लेती हो और उन्हें कैसे हैंडल कर लेती हो? तो चाशिया की भाभी उससे कहती है देखो, अगर किसी आदमी को अपने कंट्रोल में करना है तो उससे पहले तुम्हें उसकी माँ को कंट्रोल में करना होगा। अगर तुम उसकी माँ को अपने कंट्रोल में कर लोगी तो वो आदमी तुमसे कहीं दूर नहीं जाएगा और वो तुम्हारे ही कंट्रोल में रहेगा। तो चाशिया की भाभी चाशिया से कहती है जिस लड़के को तुम पसंद करती हो और जिसके लिए तुम खाना लेके जाती हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम उसकी माँ को पटाओ, उसकी माँ को इम्प्रेस करो? अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसकी माँ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ।
जासिया कहती है कि वह अपनी फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं करता, तो इसलिए मुझे उसकी माँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि उनके घर की जो मेड होती है यानी कि जिंजी की माँ, वह उन लोगों के लिए कॉफ़ी लेके आती है। जब जासिया वह कॉफ़ी पीती है तो एकदम से कहती है, ओह कितना बेकार टेस्ट है, कितनी ख़राब कॉफ़ी है, मैं ये कॉफ़ी नहीं पीती। तो इस पर जिंजी की माँ कहती है उससे कि हाँ मुझे पता है कि तुम ये कॉफ़ी नहीं पीती, लेकिन वो कॉफ़ी ख़त्म हो गई है तो इसलिए मैंने दूसरी कॉफ़ी बना दी है। अगर तुम चाहती हो तो मैं मार्केट से जाकर तुम्हारी पसंद की कॉफ़ी ला सकती हूँ। फिर उसके बाद जिंजी की माँ उसे कहती है कि तुम्हें इतने नखरे नहीं करने चाहिए, और हो सके तो जो भी खाना तुम्हें दिया जाए उसकी तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे तुम्हें वो पसंद हो या ना पसंद हो। इस तरह से वो जुंजी की माँ उससे कहती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि चासिया नामदो को कॉल करती है और उससे पूछती है जुंजी की माँ के बारे में, उससे कुछ इन्फॉर्मेशंस लेती है। तो नामदो उससे कहता है, देखो अगर मैं जुंजी की माँ के बारे में तुम्हें कुछ बताऊँगा तो यह जुंजी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जुंजी खुद अपनी माँ के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करता है। लेकिन जब चासिया उस पर जोर डालती है और काफ़ी बार उससे कहते हैं प्लीज़ मुझे बताओ, तो फिर नामदो उसे कहता है कि जब जुंजे 10 साल का था तो अपनी माँ से दूर हो गया था, और वह अब तक अपनी माँ से दोबारा नहीं मिल रहा है, और वह अभी भी कोशिश कर रहा है अपनी माँ को ढूंढने की। जब चासिया वहाँ से वापस जाने लगती है तो जलपरी उससे कहते हैं, रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो नामदो वहाँ पर कहता है, तुम दोनों आपस में बातें करो, मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। वहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी चासिया से पूछती है, अगर तुम्हें किसी लड़के को पसंद करना है, इम्प्रेस करना है, और तुम चाहते हो कि वो तुमसे प्यार करने लगे, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो चासिया उससे कहते हैं कि तुम किसे इम्प्रेस करना चाहते हो, कौन है जिसे तुम पसंद करती हो। तो इस पर जलपरी उससे कहती है कि मैं हु जुंजे को पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे पसंद करे। इस बात को सुनकर चासिया उसे कहती है कि ओह अच्छा, तो तुम्हें जुंजे पसंद है। तो वो उसे एडवाइस देती है कि जो तुम जुंजे के आगे पीछे पूरा टाइम घूमती रहती हो ना, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए ताकि जुंजे तुम्हें मिस करे। वो उसे कहती है कि तुम जितना उससे दूर रहोगी वो तुम्हें उतना ही ज़्यादा मिस करेगा, और तुम्हारी इंपॉर्टेंस को समझेगा, और फिर तुमसे प्यार करेगा। वो इससे कहती है कि इसलिए तुम्हें जुंजे से ज़्यादा दूर रहना चाहिए। लेकिन यह सब सुनकर जलपरी अपने मन में सोचती है और हंसने लग जाती है कि तुम उसे कितना झूठ बोलोगी, मुझे सब पता है कि तुम उसे झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम उससे नज़रों से नज़रें नहीं मिला रही हो। वो कहती है कि मैं सब जानती हूँ कि इंसान लोग कैसे झूठ बोलते हैं, तुम अपनी गर्दन बालों को टच कर रही हो और मुझसे हाथ नज़र से नज़र नहीं मिला रही हो। फिर दिखाया जाता है कि चासिया वहाँ से चली जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जुंजे ऊपर से नीचे आता है तो जलपरी उसे चिपकने लग जाती है, मतलब कि उसके आगे पीछे से घूम के उसे फॉलो करती रहती है। तो इस पर जुंजे उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मुझे इरिटेट और परेशान मत करो। तो इस पर जलपरी उसे पूछते कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। जुंजे कहता है कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहो। तो वो उससे पूछता है कि नामदो कहाँ है। तो जलपरी कहती है नामदो बाहर गया है और तो एक गेम खेल रहा है। फिर जुंजे सोचता है कि अगर मैं इसे यहाँ पर छोड़ के चले जाऊँगा तो ये यहाँ से जाएगी और फिर अपने फ्रेंड से मिलेगी, इससे अच्छा होगा कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊँ। जुंजे फिर आगे दिखाया जाता है कि जुंजे जलपरी को लेकर लाइब्रेरी में चला जाता है। वहाँ पर लाइब्रेरी में जुंजे से जलपरी काफ़ी तेज़ आवाज़ में बातें करती रहती है, तो जुंजे उसे समझाता है कि ये लाइब्रेरी है और यहाँ पर धीमी आवाज़ में बात करते हैं। फिर जुंजे के कान के करीब आकर जलपरी उसे कहते हैं कि मुझे ऐसे कान में बात करना बहुत पसंद है। इस पर जुंजे हंसने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और जुंजे को एक लेटर देकर चली जाती है। जुंजे को जो लड़की लेटर देके जाती है उसमें लिखा रहता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बातें कर रहे हो, इसलिए तुम दोनों चुप हो जाओ। तो जुंजे इस लेटर को पढ़ के काफ़ी शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन जब जलपरी उससे पूछती है कि इस लेटर में क्या लिखा है, तो जुंजे उससे कहता है कि इसमें लिखा है कि वो लड़की मुझे पसंद करती है और मुझे डेट पर जाने के लिए पूछ रही है। तो फिर जलपरी एकदम से गुस्से में आ जाती है और उसे मारने के लिए जाने लगती है, लेकिन जुंजे उसे रोक लेता है।
फिर आगे दिखाया जाता है कि जुंजे लाइब्रेरी में बैठकर हिस्टोरिकल बुक पढ़ता है, जिससे कि उसे दामरेंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जहां पर उसे पता चलता है कि दामरेंग की मृत्यु 27 साल की उम्र में हो गई थी। तो जुंजे सोचता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई होगी, कैसे उसकी जान गई होगी। फिर वह अपने उस कड़े को देखता है जो कि जलपरी उसे देखती है, तो वो सोचता है, उसे देखता रहता है और वो सोचता है कि मेरी उम्र भी तो अभी 27 साल है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जुंजे का सौतेला भाई हॉस्पिटल में जाता है, जहां पर वह सेक्रेटरी जुंग और उनकी वाइफ से मिलता है, जहां पर दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी जुंग काफ़ी इंजर्ड होते हैं और वो बेहोश की हालत में होते हैं। तो वह उनकी वाइफ से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, इनके एक्सीडेंट के पीछे की जो मेन कहानी है, कैसे इनका एक्सीडेंट हुआ है, मैं इसके बारे में पूरी छानबीन करूंगा और जानकारी निकालूंगा। तो इस पर उनकी वाइफ उससे कहते हैं कि थैंक यू सर, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मम्मा ने कहा था कि इस केस को इतना बड़ा मत बनाओ और हो सके तो तुम चुप रहो, इसलिए मैं अब तक चुप थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, इस पर किसी का हाथ है। तो फिर वहाँ पर उस जुंजे का भाई कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी इस पर मदद करूँगा। फिर दिखाया जाता है कि जुंजे और जलपरी लाइब्रेरी से निकल जाते हैं, तो जलपरी अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। जब वह अपने दोस्त के ऑफिस में पहुंचती है तो वह देखती है कि वहां पर उसका फ्रेंड नहीं है बल्कि कोई और काम कर रहा है। तो वह उस आदमी से पूछती है कि यहां पर मेरा फ्रेंड काम करता है, वो कहां पर है। तो जो नया आदमी होता है वहां पर, वो उसे बताता है कि एक आदमी को बचाते हुए उसकी जान चली गई, मतलब कि जब वो स्विमिंग करके एक आदमी की जान बचा रहा था तो उसे हार्ट अटैक आ गया, उसे हॉस्पिटल ले जाने वाले थे लेकिन उस हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी जान चली गई। जलपरी को यह सब सुन के एकदम शॉक लगता है। जब ही दिखाया जाता है कि पीछे से एक लड़की आती है और उसी मतलब कि जलपरी के फ्रेंड के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ पे है। तो वो जो आदमी होता है वो उससे कहता है कि आप मिस किम हो, आपके लिए उन्होंने एक लेटर छोड़ा है, और उस लेटर को वो उस लड़की को दे देता है। फिर के एक्सीडेंट की बात पता चलते ही जुंजे उनसे मिलने के लिए तैयार होकर निकलने वाला होता है। तो वो तभी नामदो और तेहो से पूछता है कि जलपरी कहाँ पर है। तो इस पर वो लोग कहते हैं कि वो शायद बाहर गई है। तो जुंजे उन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि बाहर वो खूनी दरिंदा घूम रहा है, उसका ऐसे अकेले बाहर जाना सेफ नहीं है। वो उनसे कहता है कि तुम उसे कैसे ऐसे अकेला जाने दे सकते हो, उसकी जान को खतरा हो सकता है। फिर दिखाया जाता है कि जुंजे अपने फ़ोन में मरमेड यानी कि जलपरी की लोकेशन को चेक करता है। जब जुंजे उस लोकेशन को देखता है तो वो सोचता है कि ये हर वक्त इस लोकेशन पर क्यों होती है। तो जुंजे वहाँ पर जाता है देखने के लिए, तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी अपने बेगर फ्रेंड के साथ बैठी होती है और उसे अपने और जुंजे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जुंजे को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे तुमसे मिलना है, और वहाँ पर एक एड्रेस भी दिया होता है। यह मैसेज उसके सिक्योरिटी जंग की तरफ से होता है। तो जुंजे उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वह वहाँ पर पहुँचता है तो वह जो एरिया होता है काफ़ी डरावना सा होता है, और वह एक बंद बिल्डिंग होती है काफ़ी पुरानी। तो जुंजे वहाँ पर जब जाता है तो उस एरिया को देखता है तो उसे अजीब सा फील होता है। तो वह पहले से ही अपने पास एक गन प्रिपेयर करके रखता है। फिर दिखाया जाता है कि जुंजे वहाँ पर सेक्रेटरी के नंबर पर फ़ोन करता है, तो फिर पीछे से दिखाया जाता है कि महादेव उसे देखता रहता है, लेकिन तभी जुंजे के फ़ोन पर जलपरी का कॉल आ जाता है और जलपरी उससे पूछते कि तुम कहाँ हो। तो जुंजे उससे कहता है कि मैं बाहर हूँ, तो जलपरी कहता है तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि महादेव और जुंजे का आमना सामना होता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई यानी कि फाइट होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गाड़ियों की आवाज़ आने लग जाती है जिससे कि महादेव वहाँ से भाग जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जुंजे जब यहाँ पर आता है और उसे इस जगह को देखकर कुछ अजीब फील होता है, तो वो पहले ही नामदो को कॉल कर देता है और उससे कहता है कि यहाँ पर कुछ गाड़ियों को भेज दो और उनसे बोलना कि वो जोर जोर से अपने हॉर्न को बजाए।
तो ऐसा ही वहाँ पर होता है, जिसकी वजह से माध्या जो जुंजी को छोड़कर भाग जाता है। फिर जुंजी उस बिल्डिंग से बाहर आता है और टैक्सी वाले से कहता है कि मुझे जल्दी से हान रिवर पर पहुँचा दो। फिर दिखाया जाता है कि हान रिवर पर जलपरी बैठी हुई होती है और सोच रही होती है, क्या मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, क्या मुझे जुंजी को छोड़कर वापस अपने घर चला जाना चाहिए। तो जुंजी जब वहाँ पहुँचता है और जलपरी सोच रही होती है कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, तो जुंजी पीछे से कहता है कि कहाँ जाने वाली हो तुम। इस पर जब जलपरी जुंजी को देखती है तो उसे दिखाई देता है कि जुंजी को चोट लगी हुई होती है। तो वो जुंजी से पूछती है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी, क्या हुआ मुझे बताओ। लेकिन जुंजी उससे कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ कहाँ जाने वाली हो तुम। इस पर जलपरी उससे कहती है कि जुंजी मेरे काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं जिनसे कि शायद तुम्हें पता चले तो काफ़ी तकलीफ़ हो और दर्द हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें तकलीफ़ और दर्द हो, इससे अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। जलपरी की यह बात सुनकर जुंजी उससे कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मेरा कोई प्लान या इरादा है तुम्हें लाइक करने का। तो वो कहता है हाँ मेरा एक प्लान है तुम्हें लाइक करने का, तो इसलिए मैं कहता हूँ तुम कहीं मत जाओ और तुम यहीं रहो। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। रुको रुको, अभी पूरा एपिसोड ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट्स के सीन भी एंड में दिखाए जाते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि दामरेओंग जलपरी के पास बैठा हुआ होता है, क्योंकि जलपरी काफ़ी चोटिल होने के कारण बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी जलपरी की आंखें खुलती है और वो दामरेओंग से कहती है कि मुझे पानी में वापस जाना होगा। इस पर दामरेओंग उससे कहता है कि तुम क्या पहले की तरह मेरी याद को मिटा दोगी, मेरी मेमोरीज को मिटा दोगी। दामरेओंग उससे कहता है कि हम दोनों की मेमोरीज है जो कि काफ़ी अच्छी है, मैं इन्हें भूलना नहीं चाहता, तो प्लीज़ मेरी मेमोरीज़ को रिज मत करो, ये हम दोनों की मेमोरीज है और मैं इन्हें हमेशा याद रखना चाहता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि दामरेओंग जलपरी को किस करता है। फिर यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अब आगे क्या होगा कहानी में देखते हैं, और आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।